हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम दीपक, मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट बैट के बारे में और जानेंगे इसका डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये हमारा है बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट बैट 2021 का नोटिफिकेशन। तो अगर आप PhD में इनरोल होना चाहते हैं और आप अगर जो है अपना PhD के टाइम पर अगर फेलोशिप आप लेना चाहते हैं, तब आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। और मोस्टली अगर आपके पास JRF है, चाहे वो आपका CSIR का हो, चाहे आपका UGC का हो, चाहे आपका ICMR, चाहे DBT JRF, कोई सभी JRF हो, तो आपको इजिली जो है एडमिशन मिल सकता है आपके PhD कोर्स के लिए। तो इसीलिए JRF का निकालना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास JRF है तो डायरेक्टली आप जो है किसी भी इंस्टीट्यूट या IITs या ISERS कहीं पर भी जाके जो है आप अपने एडमिशन के लिए ले सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जगह जो है JRF ही मांगा जाता है एज अ एलिजिबिलिटी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबल टेस्ट है, तो इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन वो आ चुका है। ये आपको rcb.res.in पर जाके आप जो है इस ऑफिशियल इंटरफेस को आप देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले पहले हम देख लेते हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी। तो देखिए यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट, की रेट्स, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, सिलेबस सारा यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट। तो इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट पे, तो आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो पूरा जो है वो डाउनलोड हो जाएगा और आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो देखिए ये जो बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन इनवाइटेड फ्रॉम बोनाफाइड इंडियन सिटीजन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर द अवार्ड ऑफ DBT जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो देखिए यहाँ पे अगर आप PhD में इनरोलमेंट लेते हैं, तो आपको यहाँ पे JRF अगर आपका क्लियर है, तो आपको यहाँ पे जो है फेलोशिप दी जाएगी 2 ईयर JRF, और जो रिमेनिंग 3 ईयर रहेगा वो आपका SRF का जो है फेलोशिप आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमेशा जो DBT JRF का एग्जाम होता है या बैट 2021 हम बोल सकते हैं, वो हमेशा 2 कैटेगरी में होता है। ठीक है, यानी कि अगर आपका जो है मेरिट की बेस पे आपको कैटेगरी 1 जो कि JRF रिलेटेड होती है, और कैटेगरी 2 जो कि आपका रहता है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, कि आप कोई भी DBT JRF फंडेड प्रोजेक्ट में आप जो है एज अ JRF आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो होता है कैटेगरी 2 में, जहां किसी भी DBT स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट में आप एज अ प्रोजेक्ट असिस्टेंट जो है वो काम कर सकते हैं, और आपको जो अमाउंट है वो भी आपका JRF का ही आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शॉर्टली कैटेगरी 1 वाले में जो आप अपनी फेलोशिप अवेल कर सकते हैं जैसे कि मैं ऑलरेडी बताया, और जो कैटेगरी 2 है दे विल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड इन एनी DBT स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट एंड एनरोल फॉर PhD प्रोग्राम। ठीक है, तो दोनों केस में क्या है, आप अपना PhD में इनरोल हो सकते हैं और आप जो है अपना फेलोशिप जो है वो अवेल कर सकते हैं कैटेगरी 1 में। ठीक है, और कैटेगरी 2 में आप जो है अपना किसी भी DBT स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट में आप जो है एज अ JRF आप काम कर सकते हैं, और आप चाहे तो PhD में भी आप इनरोल हो सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका BTech होना चाहिए, या अगर आपका BSc ऑनर्स है 4 ईयर का तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अदरवाइज आपका BTech होना चाहिए, या आपका जो है MSc होना चाहिए, MTech, MVSc या इंटीग्रेटेड MSc, MTech, अगर ये आपके पास है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका MSc, MTech, MSc, MSc एग्रीकल्चर जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, और उसमें आपका PG डिग्री है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप जो है अपना MSc फाइनल ईयर में है तब भी आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें मार्क्स की, तो यहाँ पे मिनिमम अगर आप जनरल OBC या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 60% मार्क्स होना चाहिए, और वही अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 55% मार्क्स होना चाहिए। अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो आप जो है अगर जनरल और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अप टू 28 ईयर्स ऑफ एज ही आपको यहाँ पे JRF दिया जाएगा। अगर आपकी एज 28 ईयर्स से ऊपर है, अगर आप जनरल और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। वहीं अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वहीं अगर आप जो है OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 3 ईयर्स का जो है वो रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप वुमेन कैंडिडेट्स हैं तो आपको यहाँ पे 5 ईयर्स का जो है यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देखा दे देखा है डिटेल्स ऑफ द अवार्ड। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको 2 डिफरेंट टाइटल्स में आपको यहाँ शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, और आपको यहाँ पे एक चीज मेंशन कर रखा है कि आपका जब अवार्ड लेटर जो इशू होगा उसके आप उसमें आपको विद इन 2 ईयर्स जो है आपको PhD में एडमिशन लेना होगा। ठीक है, तो 2 ईयर्स का यहाँ पे वैलिडिटी रहेगा आपका कैटेगरी 1 का। ठीक है, तो अगर आपने कैटेगरी 1 में आप शॉर्टलिस्ट हुए तो आपको विद इन 2 ईयर्स आपको अपना PhD में इनरोलमेंट लेना पड़ेगा।
अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो देखिए अभी मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन मेरिट बाय सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, बायो टेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कंप्यूटर बेस्ड ये रहेगा, और सिलेबस ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो अगर आप चाहें तो आप जो है सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं, सिलेबस भी मेंशन कर रखा है। इसके अलावा अगर हम बात करें पैटर्न एग्जामिनेशन की, तो देखिए यहाँ पे जो पैटर्न होगा वो आपका पूरा एमसीक्यू बेस्ड होगा। सेक्शन है 50 कंपलसरी क्वेश्चन होंगे 10+2 लेवल के, और ये क्वेश्चन होंगे वो जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, जनरल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड जनरल बायोटेक्नोलॉजी से होंगे, एंड ईच क्वेश्चन विल बी हैविंग 3 मार्क्स। ओके और यहाँ पे आपको जो है 1 मार्क डिडक्ट होगा आपका निगेटिव मार्किंग का, अगर आपने जो है कोई भी गलत आंसर दिए तो आपका यहाँ पे 1 मार्क कट कर लिया जाएगा। वहीं अगर आपने कोई भी आंसर नहीं दिया है, अन अटेम्प्टेड या अन आंसर्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको 0 मार्क की निगेटिव रहेगी, ठीक, निगेटिव मार्क की। अब बात करें सेक्शन बी में, तो सेक्शन बी में आपका रहेगा 150 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, और ये जो है स्पेसिफिक एरियाज रहेंगे बायोटेक्नोलॉजी के, ठीक, जैसे आपका जो है प्लांट टिश्यू कल्चर हो जाएगा, या आपका जो है सपोज प्लांट फिजियोलॉजी हो जाएगा, या आपका हो सकता है लाइक अदर टाइप की जो बायोटेक्नोलॉजी जैसे प्लांट बायोटेक्नोलॉजी या एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, उनसे रिलेटेड वो टेक्निक्स यूज की जाती है बायोटेक्नोलॉजी में, ऐसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स के भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो इसमें हमें पूरा आपको जो एरियाज हैं वो आपको जो है सब्जेक्ट मतलब कि उसका जो सिलेबस है उसमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, यानी कि देखिए यहाँ पे 150 एमसीक्यू रहेंगे, लेकिन आउट ऑफ 150 आपको ओनली 50 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। एंड ईच क्वेश्चन विल बी हैविंग 3 मार्क्स, एंड हेयर ऑल्सो देर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क। ओके तो ये हेयर विल बी है 1 मार्क लाइक के निगेटिव मार्किंग विल बी देयर। ओके तो इसके अलावा इफ यू हैव एनी अनआंसर्ड या अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन देन यू विल बी गिवन 0 मार्क। अब बात करते हैं हम चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज, तो यहाँ पे जो है एग्जामिनेशन सिटीज दे रखा होगा, आप जब भी फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको वहाँ पे एग्जामिनेशन सिटीज चूज करने को मिलेगा, तो आप यहाँ पे जो है अपना कोई भी एग्जामिनेशन सिटी जो आपके घर के पास हो आप वो चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करें एप्लीकेशन की, तो ये जो मोड ऑफ एप्लीकेशन ये पूरा आपका ऑनलाइन फेस बेस्ड पे रहेगा, यानी कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपको कोई भी हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी है। यहाँ पे अगर हम बात करें फी पेमेंट की, तो अगर आप जनरल या ओबीसी डब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1200 रुपीज़, वहीं अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से हैं तो आपको यहाँ पे 600 रुपीज़ जो है वो पे करना पड़ेगा। अब हम देख लेते कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, देखिए यहाँ मेंशन कर रखा है स्टार्ट डे 7 जुलाई, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, क्लोजिंग डे 31 जुलाई, क्लोजिंग डे ऑफ सबमिशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन 31 जुलाई, करेक्शन इन द पार्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ओनली 4 अगस्त टू 6 अगस्त, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट बायोटेक्नोलॉजी यानी कि एक दूसरा जो है गैट भी जिसे बोलते हैं, तो ये जो मोस्टली टेस्ट होता है इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में लाइक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे इसके डिस्कस करूंगा कि गैट भी मोस्टली ये आपका पीजी कोर्स या एमएससी बायोटेक्नोलॉजी या आपका जो एमटेक कोर्सेस के लिए एग्जाम कराया जाता है, तो इसे भी एनटीपीसी जो है इसे जो है गैट भी जो है इस बार कंडक्ट किया जा रहा है। तो मोस्टली ये जो गैट भी होता है ये आपका पीजी डिग्री के होता है, एमएससी या एमटेक के लिए, ठीक है, उसका भी दे रखा है। और जो बैट 2021 का जो डेट है वो 14 अगस्त 2021 सैटरडे 3 PM टू 6 PM, देखो देखिए यहाँ पे सारा डेट जो है मेंशन कर रखा है, ये जो डेट है टेंटेटिव है, मे बी ये जो है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। तो ये सब मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका इन्फॉर्मेटिव बुलेटिन भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरा जो है बायोटेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट 2021 गैट भी दोनों का यहाँ पे दे रखा है, तो बहुत ही डिटेल्ड है। तो मोस्टली मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसके भी जो है वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस की बात करें तो आपको सिलेबस भी यहाँ देखने को मिल जाएगा, तो जैसे आप सिलेबस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे देखिए डीबीटी जेआरएफ का जो एग्जामिनेशन सिलेबस वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा, अगर कोई वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, अगर आपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ना जाइएगा। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।